नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे सभी एग्जामों के शिक्षक भर्तियों के लिए संस्कृत की शिक्षण विधियाँ नेक्स्ट क्लास क्लास नंबर छः रहेगी हमारी चल रही थी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ जिसके अंदर हमने प्राचीन विधियाँ और नवीन विधियों हैं उनका अध्ययन कर लिया था अब बस्ती है संस्कृत शिक्षण की नवीनतम उपागम विधियाँ दस से ग्यारह ये विधियाँ रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि नवीनतम वर्तमान की विधि है तो यहीं से बनकर आते हैं दोस्तों इसलिए इस क्लास को आप अंत तक जरूर अटेंड करें दोस्तों अगर बाकी की क्लासें भी आप अटेंड करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है इसके प्ले स्टोर में जाकर आप अटेंड कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी अगर संस्कृत विषय से रिलेटेड आप लेना चाहते हैं तो साथियों जाइए इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी मेरी उस आईडी पर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास नवीनतम उपागम विधियों की दोस्तों नवीनतम उपागम विधि जिसमें पहली हमारी विधि आ रही है वो आ रही है सूक्ष्म उपागम दोस्तों थोड़े सी दोस्तों गले के अंदर दिक्कत है क्योंकि क्लासे रेगुलर चल रही थी इस वजह से गला बैठ गया है। लेकिन फिर भी मेहनत के साथ इस क्लास को पूरा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण उपागम शिक्षक को कला तथा विज्ञान दोनों ही रूपों में विकास की गति के साथ स्वीकार किया गया जो शिक्षण है इसको चाहे कला हो चाहे विज्ञान हो दोनों ही रूपों में विकास की गति के साथ क्या किया गया है स्वीकार किया गया है कला के रूप में मानने वाले शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षण जन्मजात होते हैं जो कला के रूप में मानते हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षण क्या है जन्मजात है जबकि और विशिष्ट शिक्षण कौशल उसमें क्या रहते हैं विद्यमान रहते हैं ये तो मानते हैं कला के रूप में लेकिन विज्ञान के रूप में मान विज्ञान के रूप में मानने वाले जो शिक्षा शास्त्री है उनके अनुसार अच्छे शिक्षण हैं जो प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं प्रशिक्षण से ही अच्छे शिक्षण क्या होते हैं तैयार होते हैं दोस्तों अभी सूक्ष्म शिक्षण का आपका अर्थ नहीं आया आगे आ जाएगा वेट कीजिए मित्रों इसमें विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर विशिष्ट जो शिक्षण कौशल है उनका क्या किया जाता है विकास है जो किया जाता है अब देखिए मित्रों यहां से यह आपका अर्थ स्पष्ट कर देता अर्थ कर देगा सूक्ष्म शिक्षण का बड़ौदा विश्वविद्यालय के एम बी बूच उन्नीस ने कहा सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह प्रविधि है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों को वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे समूह के साथ पाँच से दस मिनट के शिक्षण की नियोजित श्रृंखला के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है तथा वीडियो टेप पर परिणामों के निरीक्षण के अवसर प्रदत्त करती है कहने का मतलब एक निश्चित कक्षा छोटी कक्षा और निश्चित यानी पाँच से दस मिनट की क्लास को ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक सरल सुग्राह्य व ही विधि है दोस्तों क्योंकि ये कम समय में बावी शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का उनमें जन्म करती है दोस्तों अब देखिए यहाँ से स्पष्ट होगा वो गुणों से होगा कि सूक्ष्म शिक्षण है जो होता क्या है ओरिजिनल में तो देखिए ये एक व्यक्तिगत शिक्षण प्रविधि है तथा इसमें वास्तविक शिक्षण तथा पाठ्य वस्तु है जो सरल होती है पाँच से दस मिनट की क्लास होती है लिमिटेड बच्चे होते हैं उनको ही सब कुछ बताना रहता है और तुरंत वहीं पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है दोस्तों इसमें कक्षा का आकार क्या होता है सीमित होता है फिक्स आकार होता है इसका उद्देश्य विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना है सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य होता है कि जो छात्र है उनके अंदर शिक्षण कौशलों का क्या हो विकास हो दोस्तों इसके द्वारा कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है कक्षा शिक्षण की जो जटिलताएं उनको इसके द्वारा क्या किया जाता है कम किया जाता है एक ही समय में किसी एक विशेष कार्य वह कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है इसके अंदर एक ही समय में एक विशेष कार्य वह कौशल के प्रशिक्षण पर बल सूक्ष्म शिक्षण के अंदर दिया जाता है अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एग्जामों में आया वो है आपका ये सूक्ष्म शिक्षण के अंदर जो कालांश है उसका समय पांच से दस मिनट का होता है कितना होता है पांच से दस मिनट का समय होता है दोस्तों इस शिक्षण से छात्र व अध्यापकों में क्या जागृत होता है आत्मविश्वास जागृत होता है दोस्तों इसमें सेवारत अध्यापकों के तकनीकी कौशल में विकास कर शिक्षण विधियों के प्रति दृष्टिकोण में नवीनता लाना होता है इसका उद्देश्य व्यवसायिक परिपक्वता का विकास करना भी होता है शिक्षण के सिद्धांतिक व्यवहारों का सुंदर समन्वय सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों शिक्षण के जो सिद्धांतिक और व्यवहारिक है पक्ष है उनका समन्वय इसमें मिलेगा संस्कृत शिक्षकों में कौशलों के विकासार्थ सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है दोस्तों तो यह था आपका सूक्ष्म शिक्षण पांच से दस मिनट की क्लास एक नौ जो है फिक्स सीमित क्लास के अंदर ये क्लांस चलती है दोस्तों आगे चलिए अब दूसरी विधि हमारी आती है वो आती है आगमन उपागम हिलदा तबाका शिक्षण प्रतिमान यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आजकल हटकर प्रश्न आ रहे हैं तो वहाँ पर यह इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इस शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक है हिल्दा तबा तो आगमन उपागम के प्रतिमा जो प्रवर्तक है वो कौन है हिल्दा तबा है जिन्होंने सेंट्रल कोष्टा विश्व कोष्टा विद्यालय वहाँ पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आगमन उपागम का क्या किया विकास किया इसका विकास अध्यापक के लिए किया गया है आगमन उपागम का विकास किन के लिए किया गया है अध्यापक के लिए किया गया दोस्तों जिससे अध्यापक अधिगम की समस्या का विश्लेषण कर उसका निदान तथा उपचार कर सके बालकों को अधिगम यानी सीखते समय जो भी समस्याएं आ रही है उनका पहले तो विश्लेषण कर लें फिर उनका निदान या विश्लेषण एक ही बात हो गई और फिर उनका क्या करें उपचार करें दोस्तों आगमन उपागम के द्वारा इस प्रतिमान में विशेषतः तथ्यों व सूचनाओं का संग्रह किया जाता है आगमन उपागम के अंदर तथ्य सूचनाएं हैं जो क्लास लेते समय है तथ्य सूचनाएं उनका क्या किया जाता है संग्रह किया जाता है दोस्तों अब तथ्यों व सूचनाओं का हम संग्रह कर रहे हैं मतलब सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए यह अधिक लाभकारी होता है पढ़ हम संस्कृत की रहें लेकिन जो ये शिक्षण विधि है आगमन उपागम सामाजिक क्योंकि तथ्यों का इसमें संग्रह हो रहा है तो सामाजिक शिक्षण के लिए उपयोगी है तथा इसका प्रयोग संस्कृत शिक्षण में व्याकरण पढ़ाते समय किया जा सकता है क्योंकि तथ्य आपको संस्कृत व्याकरण के अंदर भी देखने को मिलते हैं दोस्तों इस प्रतिमा हेतु हिल्दा तब्बा ने तीन शिक्षण व्यू बताए दोस्तों कौन कौन से पहला है संपर्ते का निर्माण कीजिए आंकड़ों की व्याख्या कीजिए और सिद्धांतों का प्रयोग कीजिए हिल्दा तबा ने ये तीन शिक्षण व्यू बताए इसके अंदर संपर्ते का निर्माण यानी परत्य बनाना आंकड़ों की व्याख्या जो जो आंकड़े हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या कीजिए और सिद्धांत जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड सिद्धांत है उनकी प्रयोग कीजिए दोस्तों अब छह बिंदु इसके प्रयोग में चलते हैं वो देख लेते हैं पहला बिंदु है उदस्य अथवा केंद्र बिंदु देखिए इस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य मानसिक क्रियाओं का विकास करना तथा सिद्धांतों का बोध करने की क्षमता का विकास करना है तो आगमन जो उपागम है जो प्रतिमान है इसका जो मुख्य उद्देश्य है है कि एक तो मानसिक क्रियाओं का विकास हो तथा जो सिद्धांतिक सिद्धांतों का है सिद्धांतिक है उनका क्या हो क्षमता का विकास हो दोस्तों दूसरा है संरचना देखिए इस शिक्षण प्रतिमान में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिनसे मानसिक प्रक्रियाओं पर, का विकास हो सके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो आगमन उपागम है इसमें जिनसे क्या होती है मानसिक क्रियाएं होती है उनका विकास होता है इस प्रतिमान की संरचना विशेषतः तीन कौशलों पर निर्भर करती है और तीन कौशलों के अंदर कुल तीन तीन भाग है मतलब इस प्रकार नौ अवयव इसके अंदर पाए जाते हैं अब कौन कौन से हैं नो देखिए व्याख्या समूहीकरण पहचान तथ्यों के मध्य संबंध बनाना संबंध व्याख्या निष्कर्ष निरूपण उपकल्पना निर्माण उपकल्पनाओं की व्याख्या और उप उपकल्पनाओं की जांच यहाँ से आज तक जो क्वेश्चन आया है वो आया है इनमें से तीन दे दिए एक इनमें से नहीं दिया गया और पूछा जा सकता है तो ये आपको याद रखने तीसरा देखिए तीसरा है सामाजिक प्रणाली इस प्रतिमान में शिक्षक छात्रों का पारस्परिक सहयोग बना रहता है शिक्षक शिक्षण की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है किंतु कक्षा में सहयोग की भावना बनी रहती है दोस्तों जो शिक्षक है वो शिक्षण की क्रियाओं पर तो नियंत्रण कर लेता है लेकिन सहयोग की भावना कक्षा के अंदर बनाए हुए रखता है दोस्तों सामाजिक प्रणाली उससे विकसित होती है चौथी है संभ्रण अव्यवस्था आगमन प्रतिमान की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में साहित्य व उपकरणों की आवश्यकता होती है मुख्य चीज है मित्रों आगमन जो प्रतिमान है इसके लिए साहित्य चाहिए उपकरण है जो इसके लिए चाहिए अध्यापक को इन उपकरणों का प्रयोग करने में दक्ष भी होना चाहिए नहीं कि अध्यापक जो उपकरण साहित्य है उनके बारे में जानता ही नहीं है अध्यापक भी उसमें क्या होना चाहिए दक्ष होना चाहिए दोस्तों पांचवा देखिए पांचवा है मूल्यांकन मूल्यांकन इस प्रतिमान में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं निमंडात्मक परीक्षाएं हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सहारा लिया जाता है और उपयोग की बात करें तो इस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है जो सामाजिक सामाजिक विषय के शिक्षण है उनके लिए उपयोगी है ये दूरदर्शन अनुदेशन पर्त्य निर्माण तथा शिक्षक की भूमिका के निर्वाह में महत्वपूर्ण योगदान देता है इसकी सहायता से छात्रों में सृजनात्मकता तथा उत्पादक चिंतन की क्षमता का विकास किया जा सकता है तो यह है आपका आगमन प्रतिमान अब आगे देखिए दोस्तों तीसरा हमारे आता है समस्या समाधान उपागम इम्पोर्टेंट है ये समस्या समाधान उपागम दोस्तों समस्या समाधान एक जटिल व्यवहार होता है समस्या समाधान क्या होता है एक जटिल व्यवहार होता है इस व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं वो सम्मिलित रहती है समस्या का समाधान कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अनेक रहेगी इसके अंदर देखिए छात्र के समक्ष ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है समस्याएं छात्र के समक्ष शिक्षक ही लेकर आएगा और फिर उनका क्या करेगा समाधान जिनमें वह स्वयं चिंतन करें तर्क करें निरीक्षण के बाद समस्या का हल ढूंढ सके यही है आपका समस्या समाधान उपागम दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बोसिंग ने समस्या समाधान परविधि इसके कुछ सोपान बताए थे जो आपके सामने पहला है कठिनाई या समस्या की अभिस्वीकृति यानी प्रस्तुत कीजिए फिर देखिए कठिनाई की समस्या के रूप में व्याख्या जो कठिनाई है उसको समस्या के रूप में लीजिए और उसकी व्याख्या छात्रों के सामने कर दीजिए फिर समस्या समाधान के लिए छात्रों को व्याख्या दीजिए यह बोसिंग ने क्या बताए मुख्य सोपान बताए अब देखिए जेम्स एम ली ने समस्या समाधान शिक्षण के निम्न चरण बताए पहला देखिए समस्या है उसका चयन कीजिए यह समस्या क्यों है इसके बारे में फिर समस्या को पूर्ण करना समस्या का हल निकालना और समाधान का प्रयोग करना यह चरण बताए जेम्स एम लेने दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि समस्या समाधान उपागम है इसकी विशेषताएं क्या है तो देखिए यह छात्राओं छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है समस्या समाधान उपागम है इसके अंदर छात्र है उनको विशेष प्रशिक्षण मिलता है दोस्तों इसमें छात्र क्रियाशील रहता है तथा स्वयं सीखने का प्रयत्न करता है क्योंकि छात्राएँ जो छात्र है उनके सामने शिक्षक समस्याएं लाता है फिर उनके बारे में शिक्षक बता देता है फिर खुद चिंतन करेंगे छात्र और उनका हल ढूंढेंगे मतलब क्रियाशील रहेंगे और कुछ ना कुछ नया है वो सीखेंगे दोस्तों ये छात्रों में उदारता सहिष्णुता सहयोग जैसे गुणों का विकास करती है दोस्तों ये मानसिक कुशलता धारणाओं वृत्तियों आदर्शों के विकास में सहायता होता है ये छात्रों को आत्म निर्णय लेने में भी क्या बनाता है कुशल बनाता है क्योंकि चिंतन करेगा तर्क करेगा तो वो खुद का निर्णय लेगा वहाँ पर तो आत्मनिर्णय भी लेते हैं छात्र इसके द्वारा इसके द्वारा छात्रों में मौलिक चिंतन का विकास होता है मौलिक चिंतन का भी इसके द्वारा छात्रों के अंदर विकास होता है ये थी विशेषताएं या गुण अब बात कर लेते हैं कमियों की या न्यूनताएं जिनको हम बोल सकते हैं समस्या समाधान उपागम की न्यूनताएं यानी कि कमियां इसका प्रयोग केवल उच्च स्तर पर ही किया जा सकता है क्योंकि छोटे बच्चों यानी निम्न स्तर पर अगर हम उपयोग करेंगे तो बालक है जो एक समस्या अगर उनके सामने रख देंगे तो उनका दिमाग भी इस स्तर तक नहीं है कि वो समाधान कर सके दोस्तों तो उच्च स्तर के लिए ये है इसमें समय अधिक लगता है तथा तो छात्रों की प्रगति बहुत धीमी गति से होती है समय तो क्योंकि छात्रों के सामने हमने समस्या रख दी तो छात्र उसके में समय लेंगे अधिक समय लगेगा अधिक समय में वो सीखेंगे बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसके अधिक प्रयोग से शिक्षण में निरस्ता आ जाती है अधिक प्रयोग किया जाता है तो छात्रों के अंदर निरस्ता आने लग जाती है दोस्तों सभी विषयों को समस्याओं के आधार पर संगठित करना लाभदायक नहीं होता अब मैं जो भी विषय क्लास में चलते हैं उनको अगर समस्याओं के आधार पर यानी समस्या समाधान उपागम की वहाँ पर लागू कर दें तो यह भी क्या है लाभदायक नहीं है यह भी क्या हो, हानिकारक हो सकता है छात्र को समस्या के आधार पर संगठित करना लाभदायक नहीं होता है कि छात्र है उनको समस्या दे दी और फिर उनको संगठित करके उसका समाधान के लिए कर दिया तो ये भी लाभदायी नहीं होगा इसमें सामूहिक वाद विवाद को ही शिक्षण की प्रभावशाली व्यूहचना माना जाता है और यह देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस शिक्षण में स्मृति तथा बोध स्तर के शिक्षण की बातें किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण है वो नहीं किया जा सकता दोस्तों तो यह था समस्या समाधान उपागम नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो आता है प्रा प्रायोजना कार्य दोस्तों प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया था जो प्रायोजना कार्य यानी प्रायोजना विधि है इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर हुआ था सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा का श्रेय अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र प्रोफेसर जॉन डीवी को है तो प्रायोजना जो पद्धति है विधि है इसको शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आए हैं प्रोफेसर जॉन डीवी, जो है अमेरिका के सन 1918 में डीवी के प्रायोजना के सिद्धांतों पर इसके निर्माण तथा विकास का श्रेय विलियम किल पेट्रिक को जाता है तो यहाँ से देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो जॉन डीवी लेकर आए लेकिन डीवी के जो सिद्धांत है उनके आधार पर 1918 के अंदर इसका निर्माण और विकास है वो किया विलियम किल पैट्रिक ने दोस्तों अब देखिए प्राकर के शब्दों में क्या कहा प्राकर ने प्रायोजना कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और सम्पन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है कार्य की एक इकाई है प्रायोजना जिसके अंदर जो छात्र है उनको कार्य की जो योजना है कार्य की जो सम्पन्नता है उसमें क्या बनाया जाता है उत्तरदायी बनाया जाता है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर प्रायोजना कार्य के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोजना कार्य में क्रियाशीलता इसकी उपयोगिता रोचकता उद्देश्यों का निर्धारण वास्तविकता स्वतंत्रता समन्वयता सामाजिकता मितवेता और अनुभव आधारित प्रयोग यहाँ से कभी आपको डीपली क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछा जा सकता है तो सीधा क्वेश्चन बनेगा निम्न में से प्रायोजना कार्य या प्रायोजना पर विविधि के सिद्धांत नहीं है या इनमें से कौन सा प्रायोजना विधि का सिद्धांत है यह क्वेश्चन यहां से बन सकता है अब देखिए प्रायोजना कार्य के सोपान दोस्तों पहला सोपान है परिस्थिति का निर्माण करना अगर परिस्थिति का निर्माण होगा हो तभी तो शिक्षण होगा तो परिस्थिति का निर्माण होना फिर प्रायोजना है उसका चयन करना और उसका जो उद्देश्य जो उद्देश्य जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना दोस्तों प्रायोजना का जो कार्यक्रम योजना नहीं होती है क्या हम कोई योजना बनाकर चलते हैं ना पढ़ते हैं तो भी एक योजना बनाकर चलते हैं ना वही चीज है ये दोस्तों तो प्रायोजना का कार्यक्रम का बनाना कि किस प्रकार किस समय किस प्रकार इसको चलाना है प्रायोजना का व्यवहारिक रूप देना व्यवहारिक रूप यानी सम, अंतिम समय लागू कर देना बच्चों पर फिर प्रायोजना का क्या करना मूल्यांकन करना और अंत में प्रायोजना का जो विवरण है वो सबके सामने रखना ये प्रायोजना जो प्रविधि है उसके अंदर सोपान है दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रायोजना कार्य के गुणों की ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं दोस्तों देखिए छात्र में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है इनसे प्राय एक योजना लेकर छात्र चलेंगे सभी तो उत्तरदायित्व का विकास उनके अंदर होगा छात्रों में स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति का भी क्या होता है इसके द्वारा विकास उत्तरदायित्व की भावना है तो स्वयं भी कार्य करेंगे विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं का समावेश इसके अंदर किया जाता है जो विषय वस्तु के विभिन्न पहलु है उनका समावेश प्रायोजना कार्य में होता है लोकतांत्रिक व सामाजिक भावना का विकास करने में भी प्रायोजना विधि है वो क्या है सहायक है इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास संभव है विभिन्न विषयों के मध्य जो सहसंबंध है वो विकास वो जो उसकी योग्यता का विकास भी प्रायोजना कार्य से होता है इसके अलावा देखिए मित्रों यहाँ पर इससे छात्रों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता आत्म बलिदान जैसे गुणों का भी विकास किया जाता है आत्मविश्वास हो आत्मनिर्भरता हो आत्म बलिदान हो इन गुणों का भी प्रायोजना विधि या प्रायोजना कार्य के द्वारा विकास होता है ये पद्धति रोचक व बाल केंद्रित होती है दोस्तों अब देखिए प्रायोजना प्रविधि है या कार्य है इसके दोस्त दोस्तों पहला है पाठ्य पुस्तकों का इसमें क्या रहता है अभाव यानी पाठ्य पुस्तकें तो यहाँ पर काम ही नहीं ली जाती समय विभाग चक्कर की अवेला यानी समय अधिक लगता है समय इसमें क्या लगता है अधिक लगता है आज उत्साही शिक्षकों का पूर्णतः अभाव है जो प्रायोजना विधि को लागू कर सकते योजना बनाकर कक्षा में दिन करवा सके उन शिक्षकों का आज क्या है बहुत ही कम मिलते हैं अभाव है स्कूलों में साधनों तथा विषय वस्तु का तारतम्यता का अभाव ना तो उपकरण मिल पाएंगे ना साधन मिल पाएंगे ना जो चीज़ हमें चाहिए वो विद्यालयों में उपलब्ध होगी अधिक समय लगेगा अधिक शक्ति लगेगी अधिक धन की आवश्यकता प्रायोजना कार्य के अंदर होती है सभी विषयों के शिक्षण के लिए यह उपयोगी नहीं है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान इसके अंदर नहीं दिया गया है तो यह थी आपकी प्रायोजना परविधि या प्रायोजना कार्य दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे बाकी की जो नवीनतम उपागम बच्चे हुए हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे छः या सात उपागम और बच्चे हैं जो लंबे हैं मित्रों लंबी क्लास हम लेकर आते नहीं क्योंकि छोटी क्लास अच्छा होता है पढ़ने के लिए दोस्तों तो कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत